हर हफ्ते अलमारी लग जाए तो इतना ढेर तो ना लगे कपड़ों का, पर आलस। हाँ मम्मा लगा लिया करूंगी, लगा लिया करूंगी। देख ये ज्यादा पुराना हो गया है, इसको निकाल दूं क्या? है क्या कह रही हूँ? अरे क्या कह रही हूँ, ये पुराना हो गया, इसको निकाल दूं क्या? अरे नहीं नहीं मम्मा, ये तो मेरा फेवरेट है, ये मत हटाओ, मैं इसको कल पहन के जाऊंगी। हाँ इसको मत हटाओ। जिसको भी बोलो वो उसका फेवरेट हो जाता है, कल उसको वही पहन के जाना रहता है। ये तो आपकी शादी का लहंगा है ना मम्मा? हाँ। तो ये यहाँ क्यों रखा है? अरे उधर जगह नहीं थी ना, तो मैंने यहाँ रख दिया था। तो हटा दो ना अब इसको, क्या काम है वैसे भी अब इसका? कुछ भी बोलती है, पागल है क्या? शादी की जोड़े कोई ऐसे हटाता है क्या? वैसे भी अब हमारे घर में कब शादी का माहौल हो? वो मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझसे आप ये सब शादी वादी की बात मत किया करो, वैसे भी आपने शादी करके कौन से मेडल हासिल कर लिए? इतनी उम्र हो गई, कब शादी करेगी? मम्मा मैंने आपसे कहा है ना कि पहले मुझे फाइनेंशियली स्टेबल हो जाने दो, उसके बाद शादी का सोचेंगे यार। और वैसे भी पापा ने कुछ, पापा क्या पापा क्या पापा यार, एंगेजमेंट पार्टी तो सही थी बट खाने में मजा नहीं आया बिल्कुल ना। हाँ यार सच में इतनी भूख लग रही थी ना, मैं बता नहीं सच में। और तूने उसे देखा पूजा को कैसे कार्टून बनकर आई थी, क्या पहन के आई थी, वो कितनी जोकर लग रही थी, जो तो बहुत अच्छी आ रही थी उसे देख कर ना। तुझे क्या हुआ, वहाँ भी तो सैड सैड थी और यहाँ भी सैड सैड लग रही है। कुछ नहीं यार, मतलब ऐसे ही कुछ नहीं। अरे बता मुझे क्या हुआ? यार वही वापस मम्मी का प्रेशर कि शादी कब करोगी एंड ऑल। लेकिन उन पर भी तो चार लोगों का प्रेशर होगा ना यार, समझ बात। तू मेरी फ्रेंड है उनकी। अरे और यार सच बताऊँ ना, मुझे तो ये शादी वादी का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है, गलत लगता है। क्यों करते हैं लोग शादी, मुझे पता नहीं है। तू बता, तू अपनी शादी से खुश है? खुश हाँ कह सकते हैं, लेकिन डेली डेली तो कोई खुश नहीं होता है। पर हाँ ठीक है, देख जब शादी नहीं हुई थी तो शादी का प्रेशर था, शादी के कुछ वक्त बाद बच्चों का प्रेशर, और शायद इसके बाद कोई और नया प्रेशर। तो ये जो चार लोग हैं ना, ये कभी हमें खुशी से जीने नहीं देते। चलो अभी ये सब छोड़, खाते हैं, भूख लगी है। हाँ यार बहुत भूख लगी है। हाँ दीदी, मेहर का तो वही डाइट चल रहा है, एक रोटी जरा से चावल। छोड़ो आप बताओ अर्जुन क्या कर रहा है? जॉब ढूंढ रहा है आजकल, बस अगर अपनी मेहर दीदी की तरह बैंकिंग कर लेता तो क्या बात थी। मुझे तो आजकल के बच्चे ही समझ में नहीं आते। खैर तू छोड़ ये सब, ये देख मेहर के लिए मैंने कितना अच्छा लड़का ढूंढा है, 25 लाख कमाता है साल का, और तो और एक इंटरनेशनल ट्रिप भी करता है साल में। मैं तो कहूंगी कि जल्दी से लड़के वालों से मिलकर बात पक्की कर ले, बहुत अच्छा रिश्ता है। दीदी आपको पता है शादी का नाम लेते ही घर सर पर उठा लेती है, अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों की बहस हुई है। अरे आजकल की लड़कियों के नखरे दिखाने की आदत हो गई है, तुम तो बात करो जल्द से जल्द, कहीं रिश्ता हाथ से ना चला जाए। लो मेहर आ गई, उससे बात कर लो दीदी।
नमस्ते मासी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा मैं। और आज घर आते आते काफी लेट हो गई, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ मासी, वो मैं दोस्तों के साथ बाहर गई थी ना। हाँ हाँ, पर बेटा लड़कियों को घर जल्दी आ जाना चाहिए ना। अच्छा चलिए सब छोड़, देख आज मैंने कितना अच्छा रिश्ता बताया तेरी मम्मी को, पूछ उनसे जल्दी। मासी आप फिर स्टार्ट हो गई, मुझे शादी नहीं करना अभी। अरे बेटा उम्र तो हो गई, क्यों नहीं करना शादी? मासी ऐसा नहीं है, मुझे कभी नहीं करना, पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ शादी के लिए। अरे बेटा शादी के लिए कोई कभी रेडी नहीं होता है, और अगर एक बार उम्र निकल गई ना तो ये जो अच्छे रिश्ते आ रहे हैं ना कुछ, ये भी नहीं आएंगे। आप क्यों होते हुए अच्छे रिश्ते ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप अभी भी तो मम्मी को रोज रोज नए नए लड़कों के रिश्ते व्हाट्सएप करती रहती हो ना। अच्छा बेटा एक बात बता, क्या तू जिंदगी भर ऐसे अकेली रहेगी अपनी मम्मी की तरह? और वैसे भी तेरे पापा के छोड़ के जाने के बाद क्या मिला है आखिर तेरी मम्मी को? फ्रीडम, आजादी मिली है हम दोनों को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की, जो आपके प्यारे जीजा जी तो कभी नहीं दे पाते। और मेरी मम्मी की जिंदगी पे तरस खाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसी शादी से निकलना जिसमें आपकी इज्जत ना हो, इससे निकलकर उन्होंने ये साबित किया है कि शादी ही सब कुछ नहीं है हमारी खुशियों के लिए। हमें खुश होने के लिए अपने आप से खुश होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपकी रिश्तेदारी उस वक्त कहाँ चली जाती है जब मेरी मम्मी अकेली पड़ गई थी, मेरी स्कूल की फीस के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, उन्हें काम करने जाना पड़ता था। मम्मी यार आज आप मुझे मत रोको, आज मुझे बोलने दो। मैंने आपको कभी नहीं बोला, पर मुझे बहुत प्राउड है आपकी बेटी होने पर, आप बहुत ब्रेव हो। ये सब बातें ना सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। पता नहीं क्यों पढ़ाया लिखाया है इसे इतना। रखती हूँ मैं फोन। एक मिनट दीदी, अर्जुन जॉब ढूंढ रहा है ना, उससे बोलना अपनी मेहर दीदी को कॉल कर ले, वो हेल्प कर देगी उसकी जॉब में। तुम्हारा जब मन करे तब शादी कर, तुम्हें जब लगे कि तुम शादी करना चाहती हो तभी तुम शादी करना। एक बात बहुत अच्छी कही तुमने, जरूरी नहीं कि शादी ही सब कुछ है, सबसे पहले अपनी खुशियों का ख्याल रखना जरूरी है। तुम खुश हो तो शादी भी खुश है। पर तुम शादी तो करोगी ना? शायद, पता नहीं।